नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 2 जुलाई 2020 और आज भी जो है क्रिकेट से जुड़ी हुई कुछ लेटेस्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर निकल कर आ रही है जो कि आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर वीवो के ऊपर बीसीसीआई ने दी अपनी प्रतिक्रिया, तो वहीं एबी डिविलियर्स ने अपने करियर को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। इसके अलावा दोस्तों, 3T मैच की नई तारीख का हो गया है ऐलान। यही सारी जानकारी मैं आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहिएगा और दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। वही हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि क्रिकेट से जुड़ी हुई रोज़ाना अपडेट्स आप सभी को मिलती रहे। तो दोस्तों, बिना वक्त जाए किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली खबर निकल कर आ रही है आईपीएल के स्पॉन्सर को लेकर, जहाँ पर दोस्तों भारत और चीन के बीच चल रही तनातनी के बीच में सरकार ने 59 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाकर कड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के बाद एक बार फिर से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के T20 टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर चीनी मोबाइल कंपनी वीवो से रिश्ता तोड़ने की बातें की जा रही हैं। बीसीसीआई की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि अगर करार खत्म करने से उसे नुकसान उठाना पड़ा तो उसे ये सोचना पड़ेगा। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई है। रिपोर्ट्स की माने तो इस हफ्ते में मीटिंग होने वाली थी, लेकिन इसका आयोजन अभी तक नहीं हो पाएगा। लेकिन बीसीसीआई की तरफ से ये भी साफ किया गया है, सरकार जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। इसके बाद दोस्तों, दूसरी खबर निकल कर आ रही है 3T क्रिकेट मैच को लेकर, जो कि 27 जून को होने वाला था, लेकिन अब इसके लिए नई तारीख का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को सरकार ने खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने की अनुमति पिछले सप्ताह दी है। सोमवार को साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी अभ्यास करते हुए भी नजर आए थे। इसी बीच साउथ अफ्रीका ने 3T टूर्नामेंट को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। साउथ अफ्रीकाई क्रिकेट बोर्ड की माने तो अब ये नेल्सन मंडेला डे यानी 18 जुलाई को खेला जाएगा। इसी दिन नेल्सन मंडेला का जन्मदिन भी है और ये दिन इसी रूप में मनाया जाता है और इसी दिन सॉलिडेरिटी कप 2020 3T मैच खेला जाएगा। 3T क्रिकेट मैच में आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में 3 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं, जिसमें एक अलग मजा आएगा क्योंकि 3 टीमों में 8-8 खिलाड़ी खेलेंगे। कुल 24 खिलाड़ियों का एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें 8-8 खिलाड़ी शामिल हैं। तीनों टीमों की कप्तानी एबी डिविलियर्स, ककिशोर अबाडा और क्विंटन डीकॉक करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद दोस्तों, तीसरी खबर निकल कर आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर, जहां पर दोस्तों पाकिस्तान के बचे हुए 6 खिलाड़ी भी बहुत जल्द ही इंग्लैंड दौरे को ज्वाइन करने वाले हैं। पाकिस्तान टीम के 6 क्रिकेटर जो दूसरे कोविड-19 टेस्ट में नेगेटिव आए थे, इंग्लैंड में टीम से जुड़ने के लिए शुक्रवार को मैनचेस्टर के लिए रवाना होंगे। इन 6 क्रिकेटरों में फ़खर जमान, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान और वहाब रियाज के नाम शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों, चौथी बड़ी खबर निकल कर आ रही है अफ्रीका टीम के और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा चाहने वाले बल्लेबाजों में से एक एबी डिविलियर्स को लेकर, जिन्होंने अपने करियर को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने कहा है कि 2015 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ हारने लगभग 1 साल तक उन्हें तोड़ कर रखा था और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अचानक संन्यास के उनके फैसले में इसकी बड़ी भूमिका थी। साउथ अफ्रीका को 2015 वर्ल्ड कप के बारिश से प्रभावित सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। डिविलियर्स ने स्वीकार किया है कि उन्हें उस हार के झटके से उबरने में जूझना पड़ा है। डिविलियर्स ने क्रिक बज इन कन्वर्सेशन के दौरान हर्षा भोगले से कहा है कि इसने मुझे तोड़ दिया था, लेकिन मैंने खेलना जारी रखा, मैंने हर संभव प्रयास किया, क्रिकेट से जुड़े रहने की कोशिश भी की। तो दोस्तों, डिविलियर्स का ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है जहाँ पर 2015 वर्ल्ड कप की हार ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था और उनका यह भी मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की वजह सबसे बड़ी ये भी थी। इसके बाद दोस्तों, पांचवी खबर निकल कर आ रही है 2011 वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर, जिसे श्रीलंका के पूर्व खेल मंत्री ने फिक्स बताया था। दोस्तों, श्रीलंका में इन दिनों वर्ल्ड कप 2011 फाइनल को लेकर जाँच चल रही है। ये जाँच श्रीलंका के पूर्व खेल मंत्री महिंदानंदा अलुथगामगे के उस दावे के बाद शुरू की
गई है, जिसमें उन्होंने 2011 वर्ल्ड कप फाइनल को फिक्स बताया था। इसके बाद श्रीलंका सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दिए थे। इस मामले में अब तक श्रीलंका के क्रिकेटर उपुल थरंगा और पूर्व क्रिकेटर अरविंदा डी सिल्वा से पूछताछ हो चुकी है। थरंगा और डी सिल्वा जांच समिति के सामने पेश हुए, जहाँ उनसे कई घंटों तक पूछताछ की गई। इसके बाद दोस्तों अब ऐसा भी माना जा रहा है कि संगाकारा को भी बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। 2011 वर्ल्ड कप में श्रीलंका टीम के कप्तान थे। खबर के अनुसार संगाकारा को गुरुवार को यानी आज सुबह जांच समिति के समक्ष बयान दर्ज कराने को कहा गया है और संगाकारा से भी अब पूछताछ की जाएगी। इसके बाद दोस्तों छठवीं खबर निकल कर आ रही है आईसीसी के चेयरमैन को लेकर, जहां पर दोस्तों आईसीसी के पुराने चेयरमैन अध्यक्ष शशांक मनोहर ने अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद ये पद छोड़ दिया है। शशांक मनोहर ने आईसीसी के तौर पर 2 साल के 2 कार्यकाल पूरे किए। शशांक मनोहर के जाने के बाद डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा अंतरिम तौर पर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। आईसीसी के चुनाव की प्रक्रिया को अगले सप्ताह आईसीसी बोर्ड द्वारा मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद इसके नॉमिनेशन होंगे और इसका नया चेयरमैन भी तय किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों सातवीं खबर निकल कर आ रही है वेस्टइंडीज़ के कोच फिल सिमंस को लेकर, जहां पर दोस्तों कोरोना वायरस महामारी के बीच वेस्टइंडीज़ क्रिकेट टीम इन दिनों टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए इंग्लैंड में मौजूद है। इसी बीच वेस्टइंडीज़ क्रिकेट से जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल दोस्तों क्रिकेट वेस्टइंडीज़ के एक बोर्ड सदस्य ने वेस्टइंडीज़ टीम के कोच फिल सिमंस को तुरंत हटाए जाने की मांग कर डाली है। मुख्य कोच फिल सिमंस को हटाए जाने की मांग के पीछे उनका लापरवाह रवैया बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मुख्य कोच फिल सिमंस ने इंग्लैंड में अपने ससुर के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों आठवीं और आखिरी खबर निकल कर आ रही है क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रविंद्र जडेजा को 21वीं सदी का सबसे बेस्ट यानी 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन टेस्ट खिलाड़ी के तौर पर चुना गया है। अब इसके बाद ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने बुधवार को बड़ा बयान दिया है। रविंद्र जडेजा ने कहा है कि वह हमेशा कोशिश करेंगे कि देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दे सके। जडेजा ने ट्वीट किया, मुझे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बनाने के लिए विजन इंडिया का धन्यवाद। मैं अपने सभी साथियों, कोचों, फैंस और शुभचिंतकों को अपने समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य हमारे देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।